जिसके जीवन में शांति का संपादन नहीं, उसके जीवन में सामर्थ्य विकसित नहीं होता, और सामर्थ्य विकसित नहीं होता तो वो बेचारा वो कर बैठता है जो उसको नहीं करना चाहिए। उसका मन, उसका प्राण बल कमज़ोर हो जाता है, फिर उसकी इंद्रियां उसको धोखा देती हैं और अकर्तव्य उससे होता रहता है। तो जीवन में अकर्तव्य की उत्पत्ति न हो उसके लिए सामर्थ्य चाहिए, और सामर्थ्य के लिए शांति का संपादन चाहिए। बहनें भी पूर्व काल में ऐसी हो गई, शांति का संपादन करके सती अनुसुया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी दूध पीता बच्चा बना दिया था, 6-6 महीने के बालक बना दिए थे शांति के संपादन के प्रताप से। सावित्री ने शांति के संपादन से वो सामर्थ्य पाया था कि यमराज को भी अपनी मदद करने के लिए मजबूर कर दिया था। शांति का संपादन, घर में कलह क्लेश ना हो, घर में दो व्यक्ति अगर लड़ रहे हो तो तीसरे को चाहिए कि भगवान का नाम बोलकर उनको चुप करा दे, राम राम राम, हरिओम शांति हरिओम शांति। भाई झगड़ा किस बात का है, दोहरा व्यवहार ही झगड़े का कारण बनता है। बाप बेटा चाय पी रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे, लड़के की माँ, लड़के की पत्नी माने सास बहू और ननंद रसोई घर में कुछ काम कर रही थी महिलाएं। इतने में कांच का कोई बर्तन गिरा और टूटा। बाप ने बेटे को कहा, जाओ बेटे देखो किसके हाथ से गिरा और टूटा। बेटे ने कहा, देखने की जरूरत नहीं है, यहीं से बैठे बैठे मैं बताता हूं, मां के हाथ से गिरा है और टूटा है। बोले, तुम क्यों दोष लगाते हो माँ पर, तुम्हारी पत्नी से भी टूट सकता है, तुम माँ के लिए क्यों बोल रहे हो कि माँ के हाथ से गिरा और टूटा। बेटे ने बोला, पिताजी बर्तन टूटने की आवाज़ तो सुनाई दी, पर बर्तन टूटने के बाद माँ की आवाज़ सुनाई नहीं दी। अगर बहू के हाथ से टूटा होता तो माँ की आवाज़ जरूर सुनाई दी होती। इसलिए निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि बर्तन माँ के हाथ से ही टूटा है। तो बाप को विश्वास नहीं हुआ, बाप देखने के लिए गया अंदर रसोई घर में, तो सचमुच उसकी पत्नी के हाथ से ही टूटा था, माने सास के हाथ से ही टूटा था। तो पूछा कि कैसे टूटा, क्या हुआ। बोले, मैं आपके लिए हलवा बना रही थी तो बहू बार बार डिस्टर्ब कर रही थी, इसलिए वो शक्कर की बरनी मेरे हाथ से गिर गई और टूट गई, फिर भी उस पर ही दोषारोपण कर रही। दोष पर आए देखना अच्छी नहीं ये बात है। प्रेम भरा व्यवहार हो। सास को चाहिए, शास्त्रों में वर्णन है कि अपनी बहू को इतना प्यार दे कि बहू को अपना मायका याद ना आए, अपनी माँ की याद ही ना आए, इतना प्यार दे। और बहू को चाहिए कि अपनी सास को इतना आदर दे कि उसको अपनी बेटी की याद ना आए। पति को चाहिए कि अपनी पत्नी को देवी तुल्य माने और उसको कुछ कमी न रहने दे, और पत्नी को चाहिए कि अपने पति को देव तुल्य माने। माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चे बच्ची का यह लोक और परलोक सुधरे ऐसा कुछ करें। माँ की बड़ी ममता होती है, माँ का दिल बड़ा सुकोमल होता है। बेटे बेटियों को चाहिए कि ऐसी माँ का दिल कभी न दुखाए, माँ के दिल को ठेस न पहुंचाए। जिस माँ ने बचपन में मनोतियां मानकर, भूख प्यास सहकर, तप सहकर अपने बेटे बेटी का लालन पालन प्यार से किया, उस माँ के सामने जुबान चलाना, बाप के सामने जुबान चलाना, ऐसे जवानों की जवानी को धिक्कार है। जीभ काट कर फेंक दे जो माँ बाप के सामने जुबान चलाए। भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलना नहीं, अनगिनत है उपकार उनके ये कभी भूलना नहीं, धन खर्चने से मिलेगा सब पर माता पिता मिलते नहीं। बच्चों को बाल संस्कार नाम की पुस्तक दीजिए पढ़ने के लिए, बच्चे महान बनेंगे। तो ज्योतिष
वैसे देखा जाए तो झूठा नहीं है, पर जन्म कुंडली में होने की बात लिखी होती है, करने की बात नहीं लिखी होती। इंसान में शक्ति है ईश्वर की, उसको जगाकर व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। कोई भी उपलब्धि अलभ्य नहीं है, केवल अपने को अयोग्य न माने। मैं योग्य हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। वीरबल रोज सारस्वत मंत्र जपते थे और उस मंत्र के प्रताप से वो इतने बुद्धिमान हो पाए थे, अकबर की सभा में सम्मानित होते थे। सारस्वत मंत्र का प्रताप था। एक दिन अकबर ने वीरबल को कहा कि तुम लोग मूर्ति पूजा क्यों करते हो, ठीक नहीं है, गलत है। क्या प्रमाण है कि मूर्ति की पूजा भगवान की पूजा है, ये तो पत्थर है। वीरबल ने कहा थोड़ा समय दीजिए, मैं जवाब दूंगा इसका। रोज मंत्र जपते थे, उनको एक उपाय सूझा। अकबर जिस रास्ते से रोज सैर करने जाते थे उस रास्ते पर एक दिन वीरबल ने एक बड़ घराने की महिला को बिठा दिया, अकबर का एक फोटो बना दिया और वो महिला अकबर के फोटो के आगे हाथ जोड़कर कुछ गा रही थी। अकबर ने पूछा कि एक किसको तुम पुकार रही हो और किसके आगे गिड़गड़ा रही हो। बोले जहां पनाह की मैं आराधना कर रही हूं। देखा तो अकबर ने फोटो मेरा ही है। बोले क्यों। बोले बस मेरी आपके प्रति बड़ी श्रद्धा है, आप कितने अच्छे काम करते हैं, ऐसा उसने प्रशंसा कर दी। अकबर ने अपने सैनिकों को कहा कि इसको ससम्मान राज दरबार में लाया जाए, हम इसका बहुमान करेंगे, इसकी हमारे प्रति कितनी आस्था है, हम इसका बहुमान करेंगे, ये जो मांगेगी वो चीज इसको देंगे। सभा में उसको सम्मान सहित लाया गया और आदेश दिया गया खजानचियों को कि इसकी इच्छा पूरी की जाए, जितना धन इसको चाहिए ले जाए, जो जमीन चाहिए तो जमीन इसको दी जाए। तो वीरबल ने कहा क्यों। बोले ये हमारी उपासक है। बोले कैसे, ये आपकी उपासक नहीं है, ये तो आपके चित्र की आराधना करती है, आपकी थोड़ी करती है। अकबर ने कहा वीरबल कैसी बात करते हो, चित्र तो मेरा ही है ना, मेरे चित्र की आराधना वो मेरी है। बोले नहीं नहीं, आप ही तो कहते थे मूर्ति की पूजा कोई भगवान की पूजा थोड़ी है। अकबर चुप हो गए, जवाब ही नहीं रहा। फिर बोले नहीं नहीं वीरबल, मेरी भूल थी, मूर्ति की पूजा वो भगवान की ही पूजा है। स्वयं भगवान ने गीता में कहा है कि कोई भक्त प्रेम से मुझे पानी भी अर्पण करता है तो मैं स्वीकार करता हूँ। पत्रम पुष्पम, नौवें अध्याय का 26वां श्लोक भगवत गीता, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्याम प्रयच्छति ही। कोई मुझे प्रेम से पत्र, एक पत्ता, पुष्प, एक फूल, फल, फल खरीदने के पैसे ना हो, कोई गरीब हो तो, भगवान ने कहा केवल पानी अर्पण कर दे। कोई ऐसा ना सोचे कि मैं गरीब हूं, नहीं नहीं, भगवान कहते पानी भी अर्पण करे तो मैं स्वीकार कर लेता हूं। तो हम जो पूजा करते हैं, हम उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, वो भगवान स्वीकार करते हैं। इसलिए अपना व्रत उपवास पूजा पाठ खूब प्यार से और निष्ठा से किया करें, मंत्र जप किया करें।